वहीं कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर की निर्मम हत्या को लेकर डॉक्टरों में आक्रोश बरकरार है। यूपी में आज सभी जिलों में डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया है। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही बहाल रखी गई हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने निर्णय लिया है कि सुबह 6 बजे से अगले दिन रविवार सुबह 6 बजे तक चिकित्सीय सेवाएं नियमित नहीं रहेंगी। हालांकि इस बीच इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी। कुशीनगर से संयुक्त जिला अस्पताल में भी डॉक्टरों ने OPD सेवाएं बंद करते हुए पैदल मार्च निकाला। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर नारों के साथ न्याय की गुहार और सुरक्षा की मांग की गई। हड़ताल की वजह से इलाज करवाने आए मरीज भी परेशान दिखे। कोई दवाओं के लिए परेशान दिखा तो कोई बच्चों को लेकर घूमता परेशान दिखाई दिया। दवा लेने आया, दवा मिल नहीं रहा। कोई नहीं है। कितना परेशानी हो रही है? बहुत परेशान, गर्मी में परेशानी हो रही है, पसीना भी खराब हो रहा है। किस चीज़ की दवा लेने आए थे? जैसे पेट की दवा लेने आए थे। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह? हम लोग यहाँ सारे जूनियर रेसिडेंट, सीनियर रेसिडेंट, फैकल्टी मेंबर्स और सारे स्टाफ यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आप सब लोगों ने मीडिया के थ्रू देखा ही होगा कि RJ कौर मेडिकल कॉलेज में कितना ज़्यादा गंदा चीज़ हुआ है। एक लड़की जो वहाँ की जूनियर रेसिडेंट थी, ऑन ड्यूटी डॉक्टर, उसके साथ रेप और मर्डर हुआ है। अब इसके जो पीछे लोग थे उनको तुरंत हम लोग चाहते हैं कि इंसाफ मिले, फांसी हो और आगे से ये वो बने, मिसाल बने कि कोई भी एक देश की लड़की को, आज़ाद देश की हमारी इंडिया की लड़की को कुछ भी करने से पहले 50 बार सोचे। दवा लेने, क्या दिक्कत है? दवा मिल नहीं रही है। कैसे परेशान हुआ? यही एक गलत दवा कराने आया। किसको क्या हुआ है? आँख और बच्चों को तब बुखार लग रहा है, 4-5 दिन से बुखार है, अस्पताल हुआ है, दवा नहीं चल रहा है, परेशानी हो रही है। हाँ, दिक्कत हो रही है। कितनी दूर से आप आई हैं? कुमारा से।